और चलिए बात करेंगे जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास कार्यक्रम मिशन हॉस्पिटल की, जिसके तहत जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरकर ये जानने की कोशिश कर रही है कि हिमाचल के अस्पतालों में इलाज की आखिर व्यवस्था कैसी है और क्या मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पा रही है या फिर नहीं। और अंग्रेजों के समय में बना डलहौजी का सिविल अस्पताल आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यहां मरीजों को कई असुविधाएं और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 2018 और 2021 में दो बार इस अस्पताल को प्रदेश का बेस्ट अस्पताल का दर्जा हासिल हो चुका है। बावजूद इसके इस अस्पताल में कमियां दूर नहीं की जा रही। वर्तमान में अस्पताल में 10 डॉक्टर्स काम कर रहे हैं जबकि 12 पद सैंक्शनड हैं और 2 डॉक्टर्स की कमी पहले से ही है। वर्तमान में अस्पताल में सिर्फ 2 ही स्पेशलिस्ट हैं और अस्पताल की मोशरी भी जंगल में खो चुकी है जहां आने से किसी को भी डर लगता है। एक तो हड्डियों का डॉक्टर, एक बच्चों का डॉक्टर, एक रेडियोलॉजिस्ट और अल्ट्रासाउंड नहीं, यहाँ पर मेडिसिन के डॉक्टर कमी से और पार्किंग की सुविधा भी नहीं है और उसके बाद कंटीन का भी सुविधा नहीं है। सर ये सारी सुविधा डॉक्टर वगैरह बच्चे के डॉक्टर भी होना चाहिए जिससे हम लोग भी अल्ट्रासाउंड करने के लिए हमको चंबा के लिए बोला सर, तो शायद जाना पड़ेगा चंबा मेरे को भी। सर यहाँ पर तो पहले शिशु रोग नहीं है, शिशु का कोई डॉक्टर नहीं है, फिर हड्डियों का कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, उसके बाद MD स्पेशलिस्ट यहाँ कोई नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट कोई नहीं है, ठीक है, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, फिर सिटी स्कैन यहाँ नहीं होते हैं। बाकी जो ये विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी जो है ये हमने विभाग के समक्ष अपनी डिमांड रख दी है, उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और आने वाले टाइम में जैसे ही बैच नया निकलेगा PG का तो हमें उम्मीद है कि जो सिविल हॉस्पिटल डलहौजी में जो ये जो कमी रह गई है विशेषज्ञ डॉक्टर जो बाकी बचे हैं इसमें से हमें जरूर कुछ डॉक्टर्स मिलेंगे और